सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड खेल और खिलाड़ी, जिसमें कि हम लोग खेल के हिसाब से हर एक खिलाड़ी के बारे में भी जानेंगे, वो भी कौन सा अवार्ड उनको मिला है जिससे कि आजकल क्वेश्चंस पूछा जाता है और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं रमन क्लासेस को, वो जरूर कर लें। अभी जैसा कि आप लोग का 2-3 एग्जाम जो है वो लगातार होने वाले हैं, जैसे कि आपका एसआई मैन का एग्जाम जो है वो आपका 17 तारीख से शुरू होने वाला है, फिर उसके बाद आपका आईआरबी का है, फिर उसके बाद आपका पंचायत सचिव का, इसलिए लगातार आपका बहुत सारा एग्जाम है और हर एक एग्जाम में आजकल खेल और खिलाड़ी से लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। 3 क्वेश्चंस मतलब आपका 9 नंबर का आपका पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिकेट से देखेंगे। क्रिकेट में देखिए महेंद्र सिंह धोनी, तो इनके बारे में आप लोग सभी को ही जानते होंगे, तो मैं कुछ कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जैसे बताऊंगा। जैसे को कौन कौन से अवार्ड मिला है ये आप लोग जान लीजिए, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 में मिला है। तो ये आपका पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पूछे जाते भी हैं, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और देखिए और दो फैक्ट आप जानिए इनके बारे में। देखिए ये आपके मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और आपके झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिए। वरुण आरोन ये आपके भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और ये आपके तेज गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और आपके ये आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि किसके लिए खेलते हैं, तो आप लोग याद रखें। सौरभ तिवारी इनका देखिए ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और ये आपका आईपीएल में ये राइजिंग पुणे से खेलते हैं। चलिए ईशान किशन इसके बारे में आप लोग भी जानिए, देखिए ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं जो कि झारखंड के लिए खेलते हैं, 2015 में उन्हें 2016 अंडर 19 क्रिकेट कप के लिए भारत के टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था और ईशान एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर हैं, ये आईपीएल में वे गुजरात के लिए खेलते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए और भी आपके कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि झारखंड टीम से हैं और ये रणजी खेलते हैं, जैसे कि आपका नजीम सिद्दीकी हुआ, विराट सिंह हुआ, संजय राठौर हुआ। चलिए झारखंड क्रिकेट टीम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो आपका फॉर्म हुआ है ये आपका 15 नवंबर 2000 को ये आपका बना है, उसके बाद इसका पहला जो मैच हुआ था वो सौराष्ट्र के अगेंस्ट हुआ था 2004 में। तो देखिए आपका जो झारखंड टीम है तो अभी तक ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपका 2011 में ये जीता है और अभी इसके जो कोच हैं वो राजीव कुमार हैं। चलिए कुछ आपका स्टेडियम है वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम धनबाद में है, रेलवे स्टेडियम धनबाद है, फिर आपका नेहरू स्टेडियम ये आपका गिरिडीह है, फिर हजारीबाग, तो जैसे हजारीबाग उसी प्रकार आप लोग देखिए, जैसे कि फिर बिरसा स्टेडियम है वो आपका रांची में है, फिर आपका JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम है वो आपका रांची में, फिर आपका सेल का एक स्टेडियम है जो कि रांची में है। चलिए हम लोग कुछ अब आर्चरी में देखते हैं। देखिए दीपिका कुमारी इसके बारे में जानिए, देखिए इनका जन्म जो हुआ था 13 जून 1994 में रांची में हुआ था, सबसे पहले वर्ष 2009 में दीपिका ने अमेरिका में हुई 11वें यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीत करके अपनी उपस्थिति जाहिर की थी, उसके बाद फिर 2010 में एशियन गेम्स में ये कांस्य पदक हासिल की थी, उसके बाद 2010 में ही फिर कॉमनवेल्थ खेल में महिला एकल और टीम के साथ 2 स्वर्ण पदक हासिल किए, उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल जो 2010 में हुआ उन्हें न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीते बल्कि महिला रिकर्व टीम के लिए भी ये स्वर्ण दिला। चलिए इसके अवार्ड हम लोग देखते हैं कौन कौन से इनको पुरस्कार मिला है। पद्मश्री अवार्ड जो कि आपका आर्चरी में 2016 में दिया गया, फिर उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, 2 पुरस्कार इनको दिया गया। वर्तमान में ये दीपिका टाटा स्टील कंपनी के खेल विभाग में प्रबंधक हैं और ब्रांड एम्बेसडर फॉर टीवी फ्री झारखंड के लिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और अवार्ड में भी पूछे जा सकते हैं कभी कभी।
आपका पूर्णिमा महतो, इनका भी आर्चरी में बहुत नाम है। देखिए ये 1998 कॉमनवेल्थ गेम में ये सिल्वर मेडल जीती थी। उसके बाद फिर 2012 समर ओलंपिक में इन्होंने टीम कोच के रूप में इन्होंने अपनी सेवा। उसके बाद इनके अवार्ड के बारे में आप लोग जानिए। देखिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है प्रेसिडेंट के द्वारा 2013 में दिया गया। उसके बाद फिर चलिए उसके बाद एक आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि पूर्णिमा महतो जो ये झारखंड की पहली महिला है जिनको कि ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। चलिए और उसके बाद झारखंड का भी राम दयाल मुंडा अवार्ड भी इन्होंने इनको मिला गया है बेस्ट कोच के। झानू हांसदा 2005 में नई दिल्ली एशियन चैंपियनशिप एकल में स्वर्ण पदक जीती है। उसके बाद 2007 में एशियन चैंपियनशिप एकल कास्ट में जीती है। फिर 2009 में बाली एशियन चैंपियनशिप में टीम के लिए रजत। उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ में टीम के लिए कांस्य। देखिए एक चीज फैक्ट याद रखिएगा, 2015 में वर्ल्ड पुलिस गेम में यह गोल्ड जीती है, 3 गोल्ड जीती है जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये याद रखिएगा। रिमिल बिलुरी ये आपका देखिए 2010 में ग्वांगचू एशिया टीम के लिए कांस्य पदक। उसके बाद 2015 कॉपेनहेगन वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम के लिए रजत। और भी जैसे है आपका लक्ष्मी रानी मांझी जो कि आपका 2016 रियो ओलंपिक एकल में टीम के रूप में थी ये। उसके बाद फिर रानी कुमारी, उसके बाद फिर मंगल सिंह चांपिया, ये भी आपके खिलाड़ी हैं। चलिए अब हम लोग बॉक्सिंग में नजर डालते हैं। अरुणा मिश्रा इनका नाम बहुत है, इंडियन बॉक्सर ये रह चुकी हैं और ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नॉर्वे में जो 2004 में खेल हुआ था। उसके बाद फिर ये 10th और 11th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप रह चुकी हैं। चलिए और आपका करंट न्यूज एक है वो देख लीजिए, जैसे कि झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर पद पे हैं और ऊपर से अमेरिका में जो लॉस एंजल्स में जो गेम हुआ था आपका वर्ल्ड पुलिस गेम, उसमें 71 किलोग्राम के वजन में के वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये आपका करंट न्यूज है 2017 का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे आपका दिवाकर प्रसाद जो कि आपका इंटरनेशनल बॉक्सर है, ये आपका ओलंपिक क्वालिफायर है। और भी कुछ कुछ फैक्ट है जैसे कि 2009 में 56वां सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में कांस्य पदक इनको मिला था। फिर उसके बाद 97वां में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक फिर मिला। 11 में फिर वो ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुलिस मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल मिला है इनको। इसी प्रकार इनको और भी कुछ कुछ मिला है। इधर कुछ आपको करंट न्यूज में हम लोग चलते हैं। देखिए ओलंपिक दिवाकर प्रसाद और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मदन लाल पेशेवर मुक्केबाज के रूप में जुड़ गए हैं। इन दोनों ने उन्हीं प्रमोटरों के साथ करार किया है जो विजेंदर सिंह और अखिल कुमार जैसे मुक्केबाजों का प्रबंध कर रहे हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे आपका है मिशल बेंजामिन लकरा जो कि आपके इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। ये क्वेश्चंस देखिए आपका पूछा गया क्वेश्चंस है, ये भी हाल के ही एग्जाम में आपका अमीन राजस्व कर्मचारी का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चंस ये वाला, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे इसके बारे में और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए 2009 में 56वें सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने रजत मिला था। फिर 34वें राष्ट्रीय खेलो पुरुष मुक्केबाजी के वर्ग में 2011 में गोल्ड मिला। फिर उसके बाद 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुलिस मुक्केबाजी चैंपियन में रजत मिला है। आगे आपका है लक्ष्मी पाडिया जो कि इंटरनेशनल बॉक्सर है, 8 में 9वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये कांस्य पदक जीती हैं। फिर आपका पुणे में जो आपका हुआ था पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की। उसके बाद आपका त्रिशूर 2010 में 11वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत मिला। फिर जमशेदपुर में जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ महिला मुक्केबाजी में 2011 में जो हुआ था गोल्ड मिला है। फिर महिला पुलिस चैंपियनशिप चैंपियन 2012 में गोल्ड इन्होंने हासिल किया। चलिए अब हम लोग हॉकी पे डिस्कस करते हैं। जयपाल सिंह जैसा कि हॉकी के खिलाड़ी ये रह चुके हैं, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 20 मार्च 1970 को। तो देखिए ये भारतीय आदिवासी और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू ये याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए उनकी कप्तानी में 1928 में ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आपका है सिल्वानुस डुंगडुंग, जन्म इनका 27 जनवरी 1950 ईस्वी में सिमडेगा में हुआ था। इनको हॉकी के आयरन मैन से के नाम से भी जाना जाता है। 1980 मास्को ओलंपिक गोल्ड पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं ये। उसके बाद सिल्वानुस डुंगडुंग ने गोल्डन गोल करके भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो ये याद रखने आपकी योग्य बातें हैं कि ध्यानचंद अवार्ड इनको अभी हाल में ही मिला है। माइकल किंडो, इनका भी हॉकी में बहुत नाम है। इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1947 को हुआ था। ये आपका 1972 को समर जो ओलंपिक हुआ था, जिसमें कि इंडिया जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और ये आपके मेंबर रह चुके हैं आपके, जिसमें कि 1975 में इंडिया वर्ल्ड कप जिसमें जीता था। चलिए आगे जो है, ही वाज अवार्डेड अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये याद रखिए। चलिए मसीरा सुरिंग, 2002 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था आपका, तो उसमें हॉकी टीम की ये प्लेयर रही थी और इंडिया उसमें गोल्ड मेडल जीता था। सुमराय टेटे, देखिए इसके बारे में जानिए कि 15 नवंबर 1979 में जन्म हुआ था। उसके बाद 2002 कॉमनवेल्थ गेम में विजेता टीम की ये हिस्सा थी। उसके बाद इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। सुमराय भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच भी रह चुकी हैं। तो ध्यानचंद अवार्ड इनको मिला है। तो ये अवार्ड पाने वाली भारत की पहली हॉकी महिला खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा आप लोग। और झारखंड हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर भी इसको अभी चुना गया है 2017 में। तो ये दो चीज याद रखनी। बीरेंद्र लाकरा, ये भी एक हॉकी प्लेयर है, ये भी इंडिया की तरफ से भी खेलते हैं। चलिए जैसा कि और भी आपके हॉकी प्लेयर्स हैं, उनका भी आप लोग नाम जानिए। जैसे कि आपका मनोहर टोपनो, उसके बाद आपका कांटीबा, फिर आपका एडलिन करकेटा। चलिए निक्की प्रधान, ये भी आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि इनका 2016 में इनका ब्राजील में हो रहे ओलंपिक में इनका चयन हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा कि यह भारत के लिए ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। तो ये पॉइंट है आपका निक्की प्रधान। ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। असुंता लकरा, ये भी एक हॉकी खिलाड़ी है, इनका भी जन्म सिमडेगा में हुआ था 1985 में। ये भी फुटबॉल में हम लोग देखते हैं कौन कौन खिलाड़ी हैं, जैसे कि लाल मोहन हांसदा और संजय बालमुचू, ये आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं झारखंड की तरफ। चलिए हम लोग कुछ एथलेटिक्स देखते हैं, एथलेटिक्स के कौन कौन खिलाड़ी हैं। रितेश आनंद, जिनका कि जन्म 1986 ईस्वी में धनबाद में हुआ था। 2010 ईस्वी में नई दिल्ली कॉमनवेल्थ में 4x100 रिले में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। आगे हम लोग हैं मोहम्मद फजल अंसारी, जो कि साहेबगंज से हैं। 2002 एशियन ग्रैंड पिक्स में आपका कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और भी आपका सोफिया केरकेटा, ये भी आपके एथलेटिक्स से हैं। पर्वतारोहण, इसमें आपका प्रेमलता अग्रवाल का नाम आता है। जन्म इनका 1963 ईस्वी में हुआ था जमशेदपुर में, और ये भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। देखिए इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। देखिए पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं, जो कि 48 साल की उम्र में एवरेस्ट के शिखर पे पहुंची थी, और सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इनका रिकॉर्ड है ये सब। और अभी ये प्रेजेंटली जो है ये टाटा स्टील में ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हैं। चलिए ये थे झारखंड के खेल खिलाड़ी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।